बेटा क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं। द ग्राफ शोज अ स्केच ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट्स। सक्सेसिव एलिमेंट्स का मतलब है बेटा कि जो कंटिन्यूअसली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट आ रहा है इन द पीरियोडिक टेबल। द लेटर्स आर नॉट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब ये देखें, ये एक एलिमेंट ए है, बी सी डी ई एफ, पर आपको ये ट्रेंड थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा। पहले बहुत ज्यादा है, चले इसको देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेकिन उसने ये कहा है कि यहाँ पर द ग्राफ शोज अ स्केच ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिक्स सक्सेसिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है। 3 मार्क्स की डेफिनेशन है बेटा। आपको अगर डेफिनेशन मुश्किल लगती है ना, तो आप पहले ना कोई इक्वेशन लिख लिया करें, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे एन ए है ना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन होती है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम। ठीक है, तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन बेटा आपने रिमूव किया है, ठीक है, फ्रॉम 1 मोल, टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ गैशियस एटम। अब देखें, वर्डिंग थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, मैं आपको समझाता हूँ। 1 मोल है ना आपके पास, 1 मोल गैशियस एटम। आपको ये तो बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव करना है तो जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा दैट मस्ट बी इन गैशियस फॉर्म। तो जो आपका गैशियस एटम है 1 मोल, 1 मोल गैशियस एटम में एक एटम तो नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा एटम होंगे। तो वह कह रहा है 1 मोल के अंदर जितने भी एटम है उसके हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10²23। तो फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल के हर एटम से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हर एटम से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बड़े देखें आगे, सजेस्ट व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए। बड़ा बी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ए के मुकाबले में कम क्यों है? क्या आंसर देंगे बेटा आप लोगों को, पहले बताए ना इसका क्या आंसर आप देंगे? हाँ जी बेटा, बेटा मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बोलें, टाइम नहीं हमारे, हमने पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, हरी अप। शेल चेंज हो रहा है। शाबाश, एक तो एक बच्चे ने जो बताया ना, शेल बिल्कुल चेंज हो रहा होगा, क्योंकि देखो वैसे एनर्जी गैप इतना इतना आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक बिग जंप आ रहा है। तो एक तो मतलब ये कि शेल चेंज हो रहा है, शेल चेंज होने का मतलब है कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक जो जो ए में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, और बी से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब अगर शेल चेंज हो रहा है, शेल भर रहा होगा, भला कैसे भर रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मे बी उसने ए पता क्या लिया हो, हीलियम लिया हो। हीलियम के पास कितने शेल होते हैं, एक, और हीलियम के बाद, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो 2 के बाद कौन आता है बेटा, 3। 3 का क्या होगा, लिथियम। तो ये सक्सेसिव ही हुआ ना, मतलब सक्सेसिव एलिमेंट है ना, हीलियम के बाद लिथियम आ रहा है, लेकिन लिथियम हैज 3 शेल्स। ये मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि लिथियम के पास शेल ज्यादा है तो इसके पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाएंगे। या अगर आप किसी और पीरियड की एग्जाम्पल देख लें, नियॉन, नियॉन देखें सबसे आखिर में आ रहा होता है ना, 10 और 20, नियॉन के पास 2 शेल होते हैं। अब जो 11 वाला एलिमेंट है वो सोडियम है, एंड सोडियम हैज 3 शेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो बी जो होगा ना उसके पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, मतलब मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक तो ज्यादा हो गए, दूसरा जो आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो भी न्यूक्लियस से बढ़ गया है, तभी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ना बेटा। तो इसलिए अब आपने इसमें क्या आंसर देना है कि बी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों कम है, इसलिए के इन बी इलेक्ट्रॉन इज मोर डिस्टेंट या एट हायर एनर्जी लेवल। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है, और हायर एनर्जी लेवल, ये एक बात हो गई,
मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा, ये दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे, न्यूक्लियर पुल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, बताएं बी के अंदर। बोलें भाई, आप लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे करेंगे तो जी। एज अ रिजल्ट लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेटा बी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए बी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जंप आ रहा है तो समझ जाएं कि शेल चेंज हो रहा है। और आप समझ रहे होंगे भाई ये एक ही पीरियड, तो उसने ये नहीं लिखा कि तीनों एक ही, उसने कहीं लिखा है कि ये छह के छह एलिमेंट एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, जरा बताइएगा। नो नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट होगा बिल्कुल एंड वाला, मतलब नोबल गैस वाला, और फिर आगे नया पीरियड स्टार्ट हो रहा होगा, तभी शेल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, पी से टी तक, कह रहा है पी टू टी आर सक्सेसिव एलिमेंट्स इन द पीरियड थ्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द लेटर्स आर नॉट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऑन द एक्सिस स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट पी टू टी। बेटा बताएं जी लेफ्ट टू राइट ट्रेंड क्या होता है। होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। जी, अगर मैं आपको एक एलिमेंट इसका बता दूं, ये लिथियम है, सोडियम, सॉरी लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो आपका न्यूक्लियर पुल है ना, न्यूक्लियर पुल वो तो इंक्रीज होता है जी। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर पुल क्या होगा, इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं हो रहे होते ना, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने यहाँ पर बेटा एक स्केच करना है ग्राफ, तो आप इसको कम होता हुआ दिखा दें। ये पी है, अगर इसको बस थोड़ा थोड़ा कम करते हुए दिखा देंगे बेटा, ये पी ऐसे दिखा दें, ये टी हो गया, ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन बेटा क्या देंगे, कोई बच्चा बता दे, शाबाश, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग और शील्डिंग बेटा, शील्डिंग इफेक्ट्स कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट है जी बेटा, ये बात बताएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बेटा आपके अभी नेक्स्ट पेपर कब है, कि एक एक बच्चा बता दे नेक्स्ट पेपर कब है। कल 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 पेपर है किस बायो चीज का, अच्छा बायो का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है उसकी, खैर है। और थ्योरी का पेपर वैसे कब है, 14 बस ठीक है। सर, जी बेटा, सर कैन आई मेंशन चार्ज डेंसिटी इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल गलत होगा। आपने न्यूक्लियर पुल बताना है, चार्ज डेंसिटी ये नहीं होता भाई। चार्ज आपने यहाँ बताना है कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी तो उस वक्त होता है जब आप किसी एटम के ऊपर चार्ज हो ना, प्लस या माइनस का, वहां पर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल भी ये बात नहीं करनी, आपने न्यूक्लियर पुल का सर वर्ड इधर बताया हम ये बेटा। ग्रुप 8 का इंक्रीज नहीं शो करेंगे क्योंकि उसने एटॉमिक रेडियस बोला है। क्या नहीं शो करेंगे बेटा इसमें, जो आखिरी 8 होते हैं उनका इंक्रीज होता है ना। नहीं वो जो नोबल गैसेस है ना उसका आपने मेंशन नहीं करना, वो आपके सिलेबस पे नहीं है, मैंने आपको ऐसी करवा दिया था, सिलेबस पे नहीं है आपके, वो आपने बस फ्लोरीन तक जाना है, आर्गोन पे नहीं जाना, ठीक है ना, उसका भरते आपसे ही कह रही, ओके सर, उसकी रीजन बताई थी आपको, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है जी, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, ये तो बड़ा आसान सा था। कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट इन ग्रुप 14, C60 एंड डायमंड आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, एलोट्रॉप्स ये होते हैं कि व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि एक एलिमेंट है ना कार्बन, कार्बन के जरा एलोट्रॉप देखिएगा भाई, कार्बन के एक डायमंड है, ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट है, एक बकीबॉल है, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन। डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं, जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट। ग्रेफाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, जाइंट स्ट्रक्चर। बकीबॉल का फॉर्मूला है C60,
तो क्या मतलब हुआ इसमें, जाइंट का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? सिंपल। सिंपल मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, बकीबॉल इज सिंपल मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूलर। तो देखो वो क्वेश्चन ये कह रहा है, C60 एंड डायमंड आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है जी। डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड सी। दो चीजें हैं, एक आपने लैटिस को एक्सप्लेन करना है, एक स्ट्रक्चर को। तो आपसे मैंने ये बात कही है कि स्ट्रक्चर का जो वर्ड है ना, इसकी हेडिंग में दो चीजें आती हैं बस। स्ट्रक्चर जब वो पूछेगा तो आप इन दो वर्ड्स में से एक वर्ड चूज करेंगे, बताएं कौन सा वर्ड चूज करेंगे जी C60 के लिए? सिंपल क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, उसने बताया हुआ है कि इसमें 60 कार्बन के एटम्स हैं। तो आप बताएंगे कि इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बड़ा दूसरी चीज, वो लैटिस का वर्ड आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो लैटिस का क्या मतलब होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। ये आपको बताऊं C60 का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जिस तरह फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, फुटबॉल ये अंदर से हॉलो होता है, और C60 ये इसको बकी बॉल जो हम कहते हैं, इसके अंदर भी जिस तरह फुटबॉल होता है ना, पेंटागोनल पैचेस और हेक्सागोनल पैचेस से मिलकर बना होता है, ये भी बिल्कुल वैसी है। तो एक तो सिंपल का मतलब बताना है, लैटिस का मतलब होगा रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। सर, हम हेक्सागोनल और पेंटागोनल शेप नहीं बताएंगे? नहीं 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 बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखिए मैंने आपको वर्डिंग बताई है, स्ट्रक्चर का मुराद है इन दोनों में से बस एक चीज आपने बतानी है, और आपने लैटिस का फिर मतलब बताना है कि लैटिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। बकी बॉल ओके का सर, स्ट्रक्चर होता किस तरह का है, किन क्योंकि तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल पैचेस से मिलकर बना होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, C60 सबलाइंस, बड़ा C60 का स्ट्रक्चर देखा या नहीं देखा आपने, पहले ये बताएं, देखा हुआ स्ट्रक्चर बेटा इसका या नहीं? देखा हुआ सर। ये देखिएगा जरा, मैंने इसको गूगल पे लिखा है, ये देखें आ गया बक मिस्टर फ्लोरीन, नजर आ रहा है बेटा सब बच्चों को? जी यस सर, ये है यस सर। C60। वैसे ये देखिए इसमें एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है, बॉन्ड नहीं कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 3 एटम के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी फ्री डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी करंट को पास कर लेते हैं अपने अंदर से, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का जो लेयर स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा अच्छा होता है। सर, ये सर sp2 हाइब्रिडाइज है ना? बकीबॉल यूज कहाँ होता है? शाबाश, दिस इज SP2 हाइब्रिडाइज, वेल डन। अब देखें कार्बन C60 सबलाइन, सबलाइन का क्या मतलब होता है बेटा? सबलाइन का मतलब होता है कि जो चीज सॉलिड से ना डायरेक्टली गैस में चला, जो बल्कि उसने आगे लिख भी दिया है, C60 सबलाइम एट 800 केल्विन, डायमंड आल्सो सबलाइम बट ओनली अबव 3800 केल्विन। पर किसका जो सबलिमेशन है वो मुश्किल से हो रहा है, डायमंड का या डायमंड डायमंड का मुश्किल से हो रहा है, बकी बॉल C60 का आसानी से हो रहा है? देखो इसकी रीजन क्या हो सकती है, आपको बताया है कि एक डायमंड जो है, दिस इज जाइंट, डायमंड इज जाइंट, डायमंड को अगर आपने सबलाइम करना है या गैशियस फॉर्म में भेजना है तो यू नीड टू ब्रेक व्हाट, क्या ब्रेक करना होगा भाई आपको? IMF कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट कोवलेंट जो बच्चा IMF कह रहा है ना, बिल्कुल गलत कह रहा है बेटा। अगर आपने डायमंड को गैशियस फॉर्म में भेजना है तो यू नीड टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड्स, आपको कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने होंगे, राइट। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपने बकी बॉल, बकी बॉल बेटा C60 है ना, तो ये एक C60, ये दूसरा C60, इसके दरमियान IMF होंगी। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा भाई, तो ये सिंपल है ना, सिंपल मॉलिक्यूल के दरमियान तो IMF होती है, तो सिंपल सा रूल है कि कोवलेंट कंपाउंड्स दो तरह के हैं, जॉइंट कोवलेंट सिंपल, जॉइंट में कोवलेंट लिंकेजेस होंगे, सिंपल में IMF होंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पर वो यही तो पूछ रहा है कि वाई C60 एंड डायमंड सबलाइम एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसमें आप ये बताएंगे कि C60 जो है सिंपल मॉलिक्यूल है, सो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट
वाइल इन डायमंड स्ट्रॉन्ग। बेटा ये बहुत कम बच्चे हैं जो ये आंसर ठीक लिख कर आते हैं, आपको पता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है जी। C60 सर फॉर्म्स जब हाइड्रो। जी फिजिकल बेटा प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे तो जो सिंपल को कंपाउंड होंगे हम उनके अंदर IMF की बात करेंगे, बिल्कुल 100% यही रूल है। और जो दूसरे होंगे उनके अंदर हम मेटेलिक बॉन्ड हो गया या कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो ऐसी बात करेंगे इन चीजों की। बिल्कुल, सर अब इसको हाइड्रोलाइज होना मैं, भी एक प्रॉपर्टी है। शाबाश, हाइड्रोलाइज होना भी सिंपल कोवलेंट की एग्जांपल निशानी है। बहुत बिल्कुल सही बात की आपने। अब एक ये एक दफा फिर सुन ले बेटा, एक दफा फिर सुन ले, मैंने ये बात कही है। अगर तो एग्जामिनर आपसे पूछता है ना आयोनिक कंपाउंड के बारे में कि उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं, तो आप आयोनिक बॉन्ड बताएंगे कि इसमें आयोनिक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग। अगर वो मेटल्स का पूछता है कि मेटल्स के अंदर क्यों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो आप फौरन मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे कि उसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। अगर वो आपसे कोवलेंट का पूछता है तो कोवलेंट में फिर आप फौरन एक्टिव हो जाएंगे भाई कि कोवलेंट दो तरह के होते हैं, जॉइंट सिंपल। अगर जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं तो आप कहेंगे कि वी नीड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर सिंपल है, सिंपल की क्या निशानी है, सिंपल के अंदर जो आपका फॉर्मूला होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें फिक्स होंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में जो जॉइंट होंगे कोवलेंट, उसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, C60 फॉर्म हाइड्रोकार्बन विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ एल्कीन। वन सच हाइड्रोकार्बन इज C60H18। व्हाट इज मीन बाय टर्म हाइड्रोकार्बन? इससे आसान क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल हो सकता है, क्या लिखेंगे इसमें? कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड, कंपाउंड आगे बोलें भाई, मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओनली। ओनली लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं बेटा, अगर आप आगे रेगुलर क्लासेस नहीं लेंगे ना, ये जो भी हो रही हैं, ये आप A2 वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट वीक रेगुलर क्लासेस ली है ना, तो उसमें से मैक्सिमम चीजें आई हैं। और कल जो मैंने 2 घंटे का उनका सेशन लिया था, उसमें से जो चीजें बताई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो तो चले बाय चांस हुआ कि आ गई हैं। तो आप अगर मेक श्योर करते हैं ना, आगे 7 दिन जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अटेंड करें, CA वाली भी और रात वाली भी, तो आपका ग्रेड इंशाल्लाह बहुत बेहतर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि क्लास किसी सूरत मिस ना कीजिएगा बेटा, किसी भी सूरत सर आप में। एनालिटिकल क्लास सब रखेंगे? कुछ होगा भाई, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। बस मुझे ये 2 दिन अपने लिहाज से पढ़ाने दें, क्योंकि मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर अभी रहता है वो करवाना है, और ग्रुप 2 और नाइट्रोजन सल्फर। उसके बाद जो बाकी दिन होंगे वो आप लोगों के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग टॉपिक कहेंगे, उसमें एनालिटिकल लाजमी करवाऊंगा, टाइट्रेशन का लाजमी करवाऊंगा, उसके अलावा फिर आप लोगों के टॉपिक्स होंगे। अच्छा जी, आगे चलें। सर आप जी बेटा, इसकी सॉल्व की ईयरली आप ग्रुप में भेज सकते हैं। अभी भी भेज दूंगा, अभी जी भेज सर आप दूंगा। जब भी करें ना सॉल्व तो आप भेज दिया करें ग्रुप में। सर नहीं तो आप मुझे ये बताएं, सॉल्व किए से क्या फायदा होगा? आप लोग खुद क्यों नहीं सॉल्व करते, मुझे ये समझ नहीं आती। जब हम खुद सॉल्व करते हैं उसके बाद टैली करना होता है, वो आपकी वीडियो देखनी पड़ती है, लंबी हो जाती है, तो वो टैली करने में इजी हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो मार्क्स स्ट्रीम समय रखा करें ना बेटा। सर वो आपके ज्यादा डिटेल्ड आंसर्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्क्स स्कीम सामने रखेंगे ना, बास जो अच्छे बच्चे हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मार्क्स स्कीम याद करें, लेकिन आपने देखा है बास बच्चों की डिस्टिंक्शन आती है ना, उसकी रीजन पता है क्या होती है? कि उन बच्चों ने बास चीजें वही याद की होती हैं जो मार्क्स स्कीम में लिखी होती है। और आपको पता है रेपिटेशन तो होती है इसमें, काफी रेपिटेशन होती है ना बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आप वही वर्डिंग यूज करेंगे ना जो एग्जामिनर यूज कर रहा है, तो आपके चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं फिर, मतलब ए ग्रेड के भी, डिस्टिंक्शन के भी, जो बच्चा वो वर्डिंग यूज कर रहा होता है जो एग्जामिनर ने यूज किया। तो आप कोशिश क्या करें, मार्क्स की वाली वर्डिंग को फॉलो किया करें। अच्छा अब देखें, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम इन C60H18, गिव द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो इससे सिंपल मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन हो एक्वस सकता है। ग्रुप में डी कलर आइज। जी, बड़े इसमें देखें, मेरी बात सुने, इसमें आप KMnO4 वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिएगा भाई उसमें, जो है ना, जो रेडिली रिएक्शन होता है वो ब्रोमीन के साथ होता है, तो लिहाजा आपने ब्रोमीन ही लिखना है बस, कि एड ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन।
अच्छा ब्रोमीन का कलर क्या होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि रेडिश ब्राउन कलर इस बॉन्ड की वजह से होता है, जो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है ना, इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही बेटा ये एडिशन होगी तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, तो इसलिए कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ब्राउन टू कलरलेस, ब्राउन टू कलरलेस। नेक्स्ट सी कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है अ 0.144 ग्राम ऑफ C60 वाज प्लेस्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री, और इतना हाइड्रोजन गैस का प्रेशर था। कितना प्रेशर है जरा एक बार पढ़ ले, कितना प्रेशर बता रहा है हाइड्रोजन गैस का? जी बेटा बोलिएगा। 1.0 × 10⁵ पास्कल। जी एक मिनट सर, वेट करें, मैं एक बच्चे को ना लिंक सेंड करना भूल गया हूँ। वेट 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 अच्छा आप में से कितने बच्चों ने ये सॉल्व किया, ये मुझे बताएं। मैंने किया किया है? अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, चलें अब जरा इसको देखिएगा। अब देखें उसने जी ये C60 जो है ना 0.144 ग्राम, इसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर में डाला जिसमें हाइड्रोजन गैस थी, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर ये था। कंटेनर को फिर हीट किया और कार्बन C60 का और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, और C60 देखें H2 से रिएक्शन करके C60H2X बना रहा है। अब ये नहीं पता कि कितने हाइड्रोजन ऐड हुई है, ये नहीं पता ना आपको एक्स कितने मोल है। देखिए यहाँ जितने मोल है ना, यहाँ वो एक्स वही होगा। तो बेसिकली आप ये एक्स के मोल निकाल लो भाई, क्या निकाल लो? एक्स के मोल निकाल लो, तो आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। इसलिए आफ्टर द रिएक्शन द कंटेनर वाज अलाउड टू कूल टू 20 डिग्री, द प्रेशर डिक्रीज टू दिस, ऑल ऑफ द कार्बन C60 हैड रिएक्टेड, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्ड। तो ये तो बड़ा बड़ा सिंपल है, एडिशन रिएक्शन। आपको समझ भी आ रहा होगा कि उसने कहा था ऊपर कि यहाँ पर कि जो C60 है ना ये अल्कीन की तरह रिएक्शन करता है, बट अल्कीन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एडिशन होगी, तो C60 में भी एडिशन होगी। हाइड्रोजनेशन हो सकते हैं। लिख सकते हैं हाइड्रोजनेशन भी लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल। अच्छा अब आगे चलें, आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये एक्स निकालना होगा। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ C60, C60 के मोल निकालने बेटा। C60 का कितना मास है? 0.144। तो फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ C60। बेटा मास इन ग्राम कितना है? 0.144। C60 का एम आर निकालिएगा भाई, C60 का एम आर कितना आ रहा है? सर 720। ट्वेंटी 720। ये कैसे निकालेंगे बेटा? 20 सॉरी, ये जो 60 है ना, 60 को टाइम्स 12 कर दो, 60 को टाइम्स 12 कर दो तो 720 आ रहा है। बेटा मैं 720 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल आ जाएंगे। अब मोल कितने आ रहे हैं? टू टाइम माइनस फोर 10⁻⁴, 0.0002। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड। बेटा हाइड्रोजन गैस के मोल निकालने हैं। ये बताओ हाइड्रोजन गैस का स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था भाई? स्टार्टिंग में कितना प्रेशर था हाइड्रोजन गैस का? 1 × 10⁵। और हाइड्रोजन गैस का एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितना प्रेशर था? एट द एंड ऑफ रिएक्शन 0.21 × 10⁴। तो बताओ ये प्रेशर कम हुआ ना, इसका मतलब है कि कुछ हाइड्रोजन यूज हुआ होगा ना, तभी प्रेशर कम हो गया, क्या ये बात ठीक है यस बेटा? कुछ देखो हाइड्रोजन का जो इनिशियल प्रेशर था वो ये था, और एट द एंड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर रह गया 2.21 × 10⁴। इसका मतलब है कि कुछ हाइड्रोजन गैस यूज हुई है। कितनी यूज हुई है अगर हम माइनस कर लें, मतलब जितना प्रेशर यूज हुआ है। आप ये देखें कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना था जो जो यूज हो गया। पहले आपको जो प्रेशर दे रहा था 1.00 × 10⁵ पास्कल, और एट द एंड कितना बच गया? 2.21 × 10⁴ पास्कल। बड़ा कोई बच्चा इसको माइनस करके मुझे आंसर बता देगा, क्या आंसर आ रहा है, 7790 क्या रहा बेटा? सेवन 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 नाइन सेवन जीरो 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 एक तो आप लोग बोलते बताते हैं 7790 900 पास्कल्स। बेटा ये कौन सा प्रेशर है पहले ये बताएं।
ये कौन सा प्रेशर है? यूज हाइड्रोजन प्रेशर, की यूज हुई है ये सर। वो प्रेशर है जो यूज हो गया, हाइड्रोजन का वो प्रेशर जो यूज हुआ है। तो हमारे लिए काम का प्रेशर कौन सा है? यही प्रेशर है ना, क्योंकि आपने मोल निकालने हैं हाइड्रोजन के, जिन्होंने रिएक्शन किया है वो मोल निकालने हैं। तो जारी बात है, प्रेशर भी वही डालेंगे ना कि जो प्रेशर कम हुआ है। तो अब आप फॉर्मूला पता है कौन सा लगाएंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है। तो आप पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने मोल निकालने हैं तो एन अपना सब्जेक्ट बना लो, पीवी डिवाइड बाय आर टी। इसमें जो मेन चीज होती है वो यूनिट्स हैं, प्रेशर की यूनिट पास्कल्स, वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर, आर कांस्टेंट है 8.31, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। बट हम वैल्यूज पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू प्रेशर जितना यूज हुआ है 77900, 77900। वॉल्यूम बेटा क्यूबिक मीटर में आपने बताना है, या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो कैसे जाएंगे जी, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक मीटर से जाने के लिए ना डिवाइड बाय 1000 होता है। क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 होता है। तो अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10^6। बेटा 100 को डिवाइड करो 10^6 से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बताओ जरा, 10^-6। बोलिए जल्दी से बोले। जी सर, लिख सकते हैं। यस सर, अच्छा यस सर। ये हो गया। अब मेरे पास आ जाएगा इसके बाद आर। आर बेटा कांस्टेंट होगा, डेटा बुकलेट में गिवन होगा, 8.31, टेम्परेचर इन केल्विन। 20 डिग्री में 273 ऐड कर दो, सर 20 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 293 पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 0.00320। तो ये मैंने जब आंसर लिखा था मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख दिया था तो मेरा एक्सेप्ट नहीं ठीक है, होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, यूज योर आंसर टू टू एंड थ्री डेट, यूज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। बेटा देखो, टू में आपने क्या किया है, टू के अंदर आपने कार्बन के मोल निकाले, थ्री में आपने हाइड्रोजन के मोल निकाले। मतलब आपको ये पता चल गया कि कार्बन C60 जो है और जो हाइड्रोजन है, इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन ये है भाई, C60 के मोल भी निकाल लिया हाइड्रोजन के भी। तो आपको ये पता चल गया कि C60 और H2, C60 के कितने मोल निकाले थे, 0.0002, हाइड्रोजन के कितने मोल निकाले हैं, 0.0032। बेटा अगर 0.0002 मोल C60 के होंगे तो हाइड्रोजन के कितने रिक्वायर्ड होंगे, बोले हाइड्रोजन के कितने रिक्वायर्ड होंगे, जीरो सर पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो तो जीरो अगर C60 का एक मोल होगा, जैसा कि इक्वेशन में एक मोल है ना, इक्वेशन में एक मोल है C60 का, तो एक्स कितना होगा ये भी आप देख लीजिएगा। अगर एक मोल होगा C60 का तो हाइड्रोजन एक्स होगा। तो यहां से बेटा आप एक्स निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू 0.0032 डिवाइडेड बाय 0.0002, 16 आ रहा है। इट मींस कि ये एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है भाई, इधर देखो क्वेश्चन में, ये एक्स की वैल्यू क्या है इधर, सिक्सटीन। 6 मोल ऑफ कार्बन। ये 16 है ना आपका, आप जरा देखना एक मिनट, C60 16H2। तो ये C60H कितना हो जाएगा बोलो जरा, 16 2 जा कितना होता है, 32। एच 32 32 हो जाएगा या नहीं होगा, यस सर। बताएं, ये क्वेश्चन समझ आ गया भाई अब्दुलरहमान? ये बाहर देखो वो बैठे हैं, मामू हैं। हाँ जी बेटा, बताएं ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सर यही आ रहा काम करोगे यार, मुझे पानी की बोतल चाहिए। हाँ इस तरह की लाना, नेस्ले की ना लाना। कहाँ जा रहे हो वैसे? ठीक, अच्छा आगे चलें जी बेटा। नेक्स्ट, सिलिकॉन शोज द सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एज डायमंड, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर शोन बाय सिलिकॉन। देखो फिर, काइंड ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से मुराद होगा आपने बताना है आयोनिक कोवेलेंट मेटेलिक, कौन सी बॉन्डिंग है, और स्ट्रक्चर से क्या मुराद होगा जरा बताइएगा। जॉइंट नहीं वैसे स्ट्रक्चर से मुराद जॉइंट क्या है, और स्ट्रक्चर सिंपल पैकेज। यस जॉइंट और सिंपल में से, यस जॉइंट और सिंपल में से आपने कोई चीज सेलेक्ट इसमें से करनी है। स्ट्रक्चर से मुराद हमेशा आपने इसकी हेडिंग में या जॉइंट लिखना होगा या सिंपल लिखना होगा, डिपेंड करेगा आपसे वो क्या चीज पूछ रहा है। और बॉन्डिंग से मुराद आयोनिक कोवेलेंट मेटेलिक, कौन सी बॉन्डिंग है। तो किसकी बात कर रहा है, सिलिकॉन की। बट उसने कहा सिलिकॉन जो है जस्ट लाइक अ डायमंड है, जिस तरह डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन से कनेक्ट, फिर अगला कार्बन फर्दर चार कार्बन से कनेक्ट,
सिमिलरली सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी ऐसी होता है, ये देखें ये सिलिकॉन है, तो बताएं जी बॉन्डिंग कौन सी है इसमें? कोवलेंट 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 जॉइंट बॉन्डिंग, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्डिंग, जॉइंट स्ट्रक्चर और जो इसका स्ट्रक्चर है वो जॉइंट कोवलेंट, जॉइंट इसमें स्ट्रक्चर है, जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम Mg2Si form. Mg2Si is thought to contain Si4 minus ion state, the fully electronic configuration of silicon. But silicon के पास वैसे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Si4 minus के पास 14 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो जरा कीजिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखिए पूरे हो गए 18, जी पूरे हो गए, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सॉलिड Mg2Si रिएक्ट विद, इसके जूस पीना था, बस इसके जूस पीते थे, नहीं नहीं इसके जूस पी लो ना, अलग अच्छा बेटा। अगला क्वेश्चन जरा बताएं क्या होगा इसका, जी भाई क्या आंसर होगा इसका? राइट एन इक्वेशन टू शो दी रिएक्शन ऑफ सॉलिड Mg2Si इंक्लूड स्टेट सिंबल्स, तो ये सॉलिड तो उसने खुद बताया हुआ है, विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का मतलब है डेफिनेटली एक्वस, क्योंकि जितने एसिड है अगर डाइल्यूट करना होगा तो आप उसको वाटर में ऐड करते तो हो। HCl होगा, चले पहले प्रोडक्ट तो बना लें, क्या कह रहे हैं क्या क्या बनेगा भाई जब रिएक्शन करेगा, तो गैशियस SiH4 बनेगा, तो यहां से आपको पता चल गया H4 है तो 4HCl होगा, और साथ में बेटा अब आपके पास क्या बच गया, 2MgCl2 ना। अच्छा ये इसकी स्टेट क्या होगी ये बताएं, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है? बिल्कुल, ग्रुप टू के क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। आप कहेंगे वाटर किधर है भाई, ये वाटर, ये देखो ना जो HCl था ये वाटर में तो डिजोल्व किया हुआ था, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका वाटर में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वाटर आपके रिएक्टेंट्स में है। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SiH4, बट SiH4 इज जस्ट लाइक CH4, यस जस्ट लाइक CH4, तो ये टेट्राहेड्रल, चार साइड हैं, अगर एंगल पूछेगा तो आपने बता देना है 109.5। SiH4 रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली का मतलब है फौरन रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड। SiH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और व्हाइट सॉलिड बन रहा है, तो बेटा गेस करें ना SiO2 बनने के चांसेस हैं, ठीक है SiO2, लेकिन उसे क्या स्टेट सिंबल नहीं डालने, तो डालने की जरूरत नहीं है, गलत डाले तो मार्क्स कट जाएंगे, और कलरलेस लिक्विड बन रहा है बेटा, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, बैलेंस कर लेते हैं 2H2O, ऑक्सीजन 2 मोल हो जाएंगे, ये है जी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा आज जो बच्चों ने पेपर किया ना उसमें बच्चे एक शिकायत कर रहे थे कि पेपर लेंथी था, लेंथी नहीं था, आप लोगों की प्रैक्टिस कम है, आप लोग जब पेपर सॉल्व करते हैं बराबर मानी टाइमर लगाकर विद इन टाइम पूरा करें, ठीक है ना, ये ना हो जब एक तो ये होता है ना कि आप लोगों को चीज आती नहीं है वो छोड़ दी तो आपको दुख नहीं होता, लेकिन अगर एक चीज आती भी और वो छूट जाए फिर आपको बहुत दुख होता है, इसलिए जरा टाइम मैनेजमेंट भी आज से देखें और टाइमर लगाकर प्रॉपर विद इन आवर, 1 आवर में आप पेपर सॉल्व करें, ठीक है, और जो आखिरी 15 मिनट होंगे उसमें आप चेक कर लें। मेरा पेपर क्यों 1 घंटे में पूरा नहीं होता भाई, मैंने तो एक्सप्लेनेशन करनी होती है ना, इसलिए 1 घंटे में पूरा नहीं होता, अदरवाइज आपने 1 घंटे में पूरा करना है। कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, कैल्शियम एट रिएक्ट्स रेडिली विद मोस्ट एसिड, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, स्टेट सिंबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए कैल्शियम है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो कैल्शियम बेटा इस एच की जगह आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ये कहाँ से क्वेश्चन आया, कोई बच्चा बता सकता है किस टॉपिक से है क्वेश्चन? ग्रुप 2 से, ग्रुप 2 से, बिल्कुल ग्रुप 2 से जी। अगला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, व्हेन कैल्शियम मेटल इज प्लेस इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट रिएक्ट्स विगरसली एट फर्स्ट, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम अ क्रस्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्स ऑन द कैल्शियम मेटल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स, सम ऑफ द कैल्शियम मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनरिएक्टेड। देखो इसमें रिएक्शन बेटा ये होता है कि आप जब कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो आपके पास कैल्शियम सल्फेट बन गया ना, अब आपको पता है कैल्शियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल है या नहीं है ये बताओ जल्दी से बोलो भाई। नॉट सॉल्युबल नहीं है, नहीं नहीं है ये। सपोज आपका H2SO4 था, ये आपका कैल्शियम था,
जैसे ही इसका रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम सल्फेट बना। भाई कैल्शियम सल्फेट तो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। ये जो मैं ब्लू कलर की लाइन है, ये कैल्शियम सल्फेट है सपोज। ये बताओ क्या कैल्शियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है? नहीं सर, नहीं। लेकिन नहीं अब कैल्शियम क्यों नहीं कर रहा, कैल्शियम क्यों सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा? ये जो नीचे कैल्शियम है सर, और ये जो उसपे सल्फ्यूरिक, लेयर आ गई उसपे है समझ में कार्बोनस नहीं। लेयर आ गई। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम मेटल जो है उसके ऊपर एक क्रस्ट आ गई है, एक लेयर आ गई है कैल्शियम सल्फेट की, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, कि शुरू में तेजी से रिएक्शन हुआ लेकिन आखिर में रिएक्शन नहीं हो रहा। तो आप पहली एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि कैल्शियम सल्फेट जो है ना, वो क्योंकि नीचे डिपॉजिट हुआ है, और कैल्शियम सल्फेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। कैल्शियम सल्फेट डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4, पहली बात ये बतानी है आपने। और दूसरी बात बेटा आप ये बताएं कि आप प्रोटेक्टिव लेयर या कोटिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दूसरी रीजन के रिएक्शन क्यों स्टॉप हो गया, कोटिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया बेटा ये बात। अब आगे चलते हैं। कैल्शियम इथेन डायोएट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड देखो उसने ऐसे लिखा हुआ है ना, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो दफा है। आप जरा गौर से देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये टू टाइम्स है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, बल्कि इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि थोड़ा आपको आसान लगे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। बड़ा ये इथेन डायोइक एसिड है, बताओ जरा, बोले यही होगा ना, इथेन डायोइक एसिड दो कार्बन है। अच्छा, इसका रिएक्शन बेटा वो कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम के साथ। जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम इन दोनों एच को रिप्लेस करेगा, राइट, ये दोनों एच को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, सी ए टू प्लस, और साथ में एच टू निकल जाएगा। बताओ ये रिएक्शन होगा, चार्जेस आपने नहीं डालने, लेकिन मैं आपको पहले रिएक्शन समझा रहा हूँ, ये रिएक्शन होगा या नहीं? जी सर। अब मुझे बताओ, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए, ये ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम इथेन डायोएट, कह रहा है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द केटायन। इसमें केटायन कौन सा भाई? कैल्शियम, कैल्शियम इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना है, और कैल्शियम आपके पास, अगर कैल्शियम आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो कौन से पीरियड में, जरा जल्दी से देख के बताओ बेटा, कैल्शियम कौन से पीरियड में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जी बेटा, टू, और ये टू प्लस है, तो ये आखिरी दो इलेक्ट्रॉन आपने नहीं डालने, ठीक है, आखिरी दो इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, तो आप तीन शेल ड्रॉ करोगे और आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन। देखो ना कैल्शियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 20 होते हैं ना, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप चेक कर लो ये। अगर ये समझ नहीं आ रही ना इससे, अगर किसी बच्चे को ये जहन में आ रहा है भाई ये तीसरे शेल में तो आठ से ज्यादा आ सकते हैं, चौथे शेल में क्यों दो चले गए, तो फिर आप ये समझ लो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे करके देख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो भाई 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बोलो? आठ। तो आपने बेटा अब ये करना होगा, आपने सिंपल ये करना था कि यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस बनाना है कैल्शियम का, ये दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, ये देखो दूसरे शेल में आठ, और तीसरे शेल में आठ। बेटा ये अजान होने दें, फिर अजान के बाद हम बाकी स्टार्ट करते हैं। बस मैं इसका इथेन डायोड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मैं दोबारा बना देता हूँ। सर, जब कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एक मिनट अजान होने दे, फिर उसके बाद Thank you.
अच्छा जी बेटा, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था अभी यहाँ पर, कार्बोनाइल का क्या क्या क्वेश्चन था? सर, कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता है? बेटा कार्बोनाइल मतलब कीटोन की तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, डिपेंड करता है कौन सा कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड है तो उसकी हो जाएगी, सर, तो ये जो कीटोन। आपने ऊपर बनाया ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ सीएल लगा हुआ था और ये तो A2 का क्वेश्चन है बेटा, इस जी पर सर, वही कार्बन आप डाइऑक्साइड बनता है। ऊपर नहीं आया था ना, इसलिए चलिए पूछ रही हूँ। बड़े, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो उसने पता है आपको कहाँ से दिया होगा? ये जो आपको याद होगा मैंने कल आपको दो एसिड बताए थे, एक मैथानोइक एसिड और एक इथेन डायोइक एसिड, इनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उसने सिर्फ सर इथेन डायोइक एसिड की जगह जो OH है ना उसकी जगह Cl लगा दिया होगा, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड तो एक बनाना था इसमें। चलें फिलहाल वो तो अब A2 का है। कैल्शियम क्लोरेट CaClO2 is used as an alternative to sodium chlorate in some household product. Suggest a use for the calcium chlorate one. बट आपको याद होगा क्लोरीन NaCl का रिएक्शन होता है ना कोल डाइल्यूट के साथ, NaCl बनता है, NaClO बनता है, NaOH के साथ, सॉरी। यस सर, बताएं इस मिक्सचर को हम क्या कहते थे, कि जो इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट वन, ब्लीच इसको आप ब्लीच कहते हैं, इसको घरों ब्लीच में यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लीच के तौर पर। तो यहाँ पर भी बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है, कह रहे हैं इसका यूज क्या है, ये जो NaClO कह लें या मेटल को चेंज कर दें, बेसिक रोल तो CLO का है ना, CLO-1 का, तो इसको क्लोरेट वन क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसलिए बोल रहे हैं अगर ये CaClO ऑक्सीजन -2 है, ये आपका +1 है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें ना तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा नेट, और ये दो दफा है तो -2, और ये कैल्शियम +2, तो बेसिकली इसको क्लोरेट वन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1+, तो इसका यूज क्या है एज अ ब्लीच। तो याद रखिएगा NaClO हो जाए या इसकी जगह CaClO हो जाए, अगर क्लोरेट वन आ रहा है CLO, इसको बोलते हैं क्लोरेट वन, तो इसका यूज क्या है, इसको आप घरों में ब्लीच के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लोरेट वन आयन इज फॉर्म व्हेन कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, राइट आयनिक इक्वेशन, स्टेट सिंबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आयनिक इक्वेशन से पहले मैं आपको बेटा इसकी दूसरी इक्वेशन पहले सिखाता हूँ, ये देखें, ये है ना, अब आयनिक इक्वेशन में क्या होगा, बस ये सोडियम आयन आप कैंसिल आउट कर दें बेटा, Cl2, 2 moles of OH, Cl- Clo-1 और वाटर, ये इसलिए आया कि ऑक्सीजन 2- है, सोडियम 1+ है, ये तो फिक्स है ना, तो क्लोरीन पर क्या चार्ज आ गया, -2, कैंसिल हो +1, ठीक है। लेकिन जब आप सोडियम को कैंसिल आउट कर देते हैं, सोडियम को निकाल देते हैं, तो CLO-1 के ऊपर नेट चार्ज क्या आएगा, Cl1+ है, O2- है, तो नेट चार्ज -1 आ रहा है, तो आपने आयनिक इक्वेशन लिखनी है Cl2+2 moles ऑफ OH-, इट गिव्स Cl- CLO- वाटर। अगर स्टेट सिंबल्स भी लिखने पड़ जाए तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको स्टेट सिंबल्स भी आने चाहिए, क्लोरीन एक्वस होगा, OH- एक्वस होगा, Cl- एक्वस होगा, Clo-1 एक्वस होगा, वाटर लिक्विड होगा, ठीक है। अच्छा, दी क्लोरेट 1 इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज व्हेन हीटेड एज शोन, कह रहा है क्लोरेट 1 डिकम्पोज हो रहा है इनटू अगेन क्लोराइड और क्लोरेट में, डिफाइन द डिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ईच स्पीशीज, बट यहां तो -1 ही है ना। अब CLO3 नेट +5 चार्ज आ रहा है इसके ऊपर -1, यस -2, 3 2 -6, और ये +5, ये बेटा आपका +5 आ। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज का भी आंसर मिल रहा है, आपने देखा होगा क्लोरीन का रिएक्शन आप हॉट कंसेंट्रेटेड के साथ भी करवाते हो या नहीं करवाते, बोलो। जी यस सर, सर, तो जब बेटा आप सीओ3।
उसको हार्ड कंसेंट्रेटेड के साथ करवाते हो तो असल में पहले बनता ही है, क्या बनता है पहले NaClO ही बनता है, लेकिन जब आप हीट करते हो तो हीट करने से वो जो CLO है वो डिकम्पोज होता है क्लोराइड एंड क्लोरेट में। अच्छा अगले क्वेश्चन पर आए, इज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांस। जी बेटा सर ये प्लस फाइव कैसे आया है? जी बेटा कोई बच्चा बताया कैसे आया है? शाबाश, कोई और स्टूडेंट बताए भाई कैसे आया ये प्लस फाइव? सर ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज होते हैं, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है जिससे सर वो माइनस सिक्स में चला जाएगा। ऑलरेडी सर ओवरऑल इस पे चार्ज माइनस वन है तो आप बैलेंस चार्जेस कैंसिल आउट करने के लिए क्लोरीन प्लस फाइव होगा। जी बेटा समझ आया कुछ? समझ आया बेटा क्या बताया उन्होंने? जी सर आ गया समझ। अच्छा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जी बेटा दोबारा पूछो। लैपटॉप का चार्जर। बड़े माइक तो ऑफ, बड़े माइक ऑफ कर दे भाई। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेट व्हाट हैपेंस टू द क्लोरीन इन द रिएक्शन 3। बड़ा देखो अगर आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन 1 प्लस से माइनस 1 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। यही क्लोरीन प्लस 1 से प्लस 5 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो व्हाट हैपेंस टू द क्लोरीन, क्या हो रहा है जी क्लोरीन के साथ? बोथ ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे साइमल्टेनियसली, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना था ना, तो आप बताएं कि गेन भी कर रहा है लूज भी कर रहा है, ठीक है? ब्रैकेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख देंगे तो और ही अच्छी बात है। कैल्शियम लैक्टेट इज यूज्ड इन सम मेडिसिन, इट फॉर्म्स व्हेन लैक्टिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। आइडेंटिफाई टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, तो बताओ कि एसिड कार्बोनेट में से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा। यस शाबाश, बिल्कुल सही बताया भाई। देखो जब भी कार्बोनेट से रिएक्शन होता है ना, आप कोई सिंपल वाला रिएक्शन कर लो ना, लैक्टिक एसिड के साथ ना कराओ, मतलब ये कर लो, ये एथेनोइक एसिड है सपोज का, सोडियम कार्बोनेट से कर लो चलो, तो क्या बनता था? CH3COONa सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो एक तो बेटा ये एक तो उसने बता दिया आपको सॉल्ट बन रहा है, कह रहा है दूसरे कौन से दो प्रोडक्ट हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक क्या होगा? वाटर होगा। आप वर्डिंग में लिख दोगे ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक का पार्ट आ गया। टू पॉसिबल मेथड ऑफ मेकिंग लैक्टिक एसिड आर शोन। बताएं जी रिएक्शन वन में क्या हो रहा है? हरी अब क्या चीज ऐड हुई है? मैंने येलो कलर से मार्क किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। HCN ऐड हुआ है, HCN ऐड हुआ है, और आपको बताया HCN NaCN कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होता है, और आपको ये भी बताया कि NaCN यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म करते हैं ना तो CN पहले रिएक्शन स्टार्ट करता है। अगर मैकेनिज्म उसने पूछा हो तो मैं कर भी दूंगा, इसमें CN माइनस जो है पहले अटैक करता है इस पर, और फिर आखिर में ये रीजनरेट भी होता है जिस पर हम इसको कैटलिस्ट के तौर पर भी कहते हैं कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। बट इसमें रिएक्शन भी होगा सिंपल के H इधर चला जाएगा, CN इधर जाएगा, तो HCN ऐड। देखो ये चीज मैंने आपको बार बार बताई है कि CN के आगे दो रिएक्शन वो पूछ सकता है, CN के कितने रिएक्शन पूछ सकता है? दो। ये देखें इधर, या तो बेटा CN में करेगा रिडक्शन LiAlH4 से, तो क्या बनेगा अगर रिडक्शन होती है? बोलो amine बनेगा अगर रिडक्शन होती है ना इसमें, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और CH2NH2 बन जाएगा एमाइन। या दूसरा बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, क्या होगी? अच्छा एसिडिक अगर होगी ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सपोज करते हैं अगर वो बेसिक करवाता है तो भी कोई मसला नहीं है, आप सॉल्ट बना दो। यस शाबाश, सॉल्ट बना दो। तो इसलिए यहां पर आप देख सकते हो कि एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब है CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सर HCN की जगह कोहली KCN यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सर जी बेटा, सर मैंने सुना है ये हाइड्रोलिसिस सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। जी सर, सिर्फ नहीं कुछ आयोनिक में भी देता है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ Al3+ जो आपका आयन है ना, ये भी वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन जनरल ट्रेंड ये है
कि कोवेलेंट कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो हम उसकी नेचर बताते हैं कि ये कोवेलेंट है, ये बात ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन पूछो। अच्छा, क्योंकि सर एक पास्ट पेपर में आया था और पीछे मार्किंग सीम में यही लिखा था, लेकिन एक मैं क्या दो फिर तीन गया उसने क्वेश्चंस बेटा। सर्च किया है, नहीं लेकिन नहीं अभी एक बच्चे ने जो पेपर के स्टार्ट में, जब मैंने पेपर स्टार्ट किया ना, उसने स्टार्ट में ये बात भी द्वारा पूछी थी कि ऐसे कंपाउंड्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया हो कि ये कंपाउंड है और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताएं इसकी बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो बेटा आप कोवेलेंट लिखेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, सर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो वो कोवेलेंट होगा। ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब रिएक्शन थ्री देखें जरा। रिएक्शन थ्री, रिएक्शन थ्री में क्या हो रहा है, जरा गेस करें। सर ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये आपके पास बन रहा है, एक मिनट, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नहीं ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अभी बेटा चले उसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और फिर ये रिएक्शन फोर पे भी जा रहा है। अच्छा, रिएक्शन वन, सबसे पहले रिएक्शन वन पर आ जाए बेटा। रिएक्शन वन में आपने HCN ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN रिएजेंट एंड कंडीशन। रिएजेंट है यहाँ पर HCN, और जो कंडीशन है वो NaCN एज अ कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन थ्री में OH, A2C A2C पड़ेगी आपका जो रिएक्शन थ्री वाला है ना, ये मुझे बताएं। सर हॉट ऑक्सीडेशन होंगी। हॉट कैन। तो मेरा क्वेश्चन पहले सुन लें, रिएक्शन थ्री में अगर मैं क्वेश्चन लिखूं CH3, CH OH एंड CH2OH, बड़ा यहाँ पर आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये अगर आप नोट करें, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और एक ये जो बीटा कार्बन, मैंने इसको ऐसे नाम दिया है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो बताएं ये प्राइमरी अल्कोहल जो है ये किसमें जा रहा है, बोलो। तो कार्बोक्सिलिक ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन, और ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ये किसमें जा रहा है, बोलो। कीटोन। कीटोन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और आपको पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आप K2Cr2O7 लिखोगे, एसिडिफाइड हीट अंडर रिफ्लक्स। तो इसमें देखो जरा क्या क्या चीजें लिखनी है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं, एल्डिहाइड बनेगा, है ना। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट सर आपकी आवाज ब्रेक रिएक्शन हो रही है। टू। सर आवाज कट रही है। बेटा आपके पास रिएक्शन सर जी, बेटा आपकी ठीक है आवाज आवाज कट रही जी, बेटा आवाज ठीक है या नहीं। सर, अब सही आई है। असल में वो ठीक बीच है में ना फोन आ गया था एक टीचर सर, का, अब एक सही मिनट। हो गई है। ठीक है बेटा, चलें जी जा रहे हैं। रिएक्शन फोर यूजेस NaBH4, बेटा NaBH4 की नेचर क्या है बताएं, रिड्यूसिंग NaBH4 एजेंट। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट है एजेंट या वीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट वीक एजेंट वीक वीक सिर्फ किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं ये भी बताएं। कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक को कंपाउंड नहीं नहीं करेगा। एल्डिहाइड कीटोन को कर सकता है, कार्बोक्सिलिक को नहीं कर सकता, एमाइड को नहीं कर सकता, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को कर सकता है। तो आइडेंटिफाई द रोल ऑफ NaBH4 इन दिस रिएक्शन। तो रिड्यूसिंग बेटा यहाँ पर हो रहा है, देखो ये कार्बोनाइल जो है ना आपका कीटोन दोबारा उसमें जा रहा है अल्कोहल में, तो रिएक्शन फोर में ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। लैक्टिक एसिड एज अ कायरल सेंटर, ये देखो ये कायरल सेंटर है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH, मिथाइल और कार्बोक्सिलिक, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। व्हाट इज मीन बाय टर्म कायरल सेंटर, अ कार्बन, अच्छा इसके बहुत सारी सर डेफिनेशंस है, अ कार्बन विच हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स, नो प्लेन, नो सिमेट्री, लेकिन आसान वाला यही है कि अ कार्बन विच हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स।
विच हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स. साइक्लोहेक्सेन इज अ कलरलेस लिक्विड यूज इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द सिंथेटिक फाइबर. बट ये सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक मैनमेड यस मैनमेड जो आप खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल. अ रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्व साइक्लोहेक्सेन इज शोन. देखिए जी पहला क्या हुआ है, उसने ये साइक्लोहेक्सेन है इसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया. रिएक्शन टू में क्या हो रहा है कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो चलें आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना. एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हेलोजन एल्केन से एल्कीन बन रहा है. दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें आपको याद होगा आप मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक लेते हैं. याद आ रहा है फिर कुछ एलिमिनेशन होती है उसकी. यस सर. अच्छा रिएक्शन वन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. कैसे पता चला मुझे? क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर रहा है और रिएक्शन वन उसने खुद भी बता दिया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है स्टेट द एसेंशियल कंडीशन. तो कंडीशन बेटा इसमें क्या होगी? यूवी लाइट. यस इस रिएक्शन के तो आप लोग एक्सपर्ट है ना. अच्छा इसमें देखिए क्या बन रहा है जी. पहले स्टेप में आपके पास दोनों फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो इस स्टेप का नाम क्या होगा? इनिशिएशन. इनिशिएशन प्रोपगेशन में क्या होता है बेटा? देखो नॉर्मल एंड फ्री रेडिकल रिएक्ट इन प्रोपगेशन. शाबाश ये देखो ये एच का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड टूटा तो ये डॉट इस कार्बन पर आ गया ना तो आपके पास एक HCl बनेगा. ठीक है H और Cl आपस में मिलकर HCl बना देंगे. प्रोपगेशन प्रोपगेशन के दो स्टेप होते हैं और प्रोपगेशन में क्या होता है? एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बन रहा होता है एक फ्री रेडिकल बन रहा होता है. ठीक है ना तो नीचे वाला भी बेटा आपके पास प्रोपगेशन है. इसकी आपको निशानी बता देता हूँ दोबारा कि प्रोपगेशन के अंदर जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल में चला जाता है नॉर्मल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में चला जाता है. अगर किसी बच्चे को बेटा ये रिएक्शन समझ नहीं आ रहा तो मेरा यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोडेड है उसको देख लीजिएगा. ठीक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखें तो आपको मिल जाएगा. और टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और नॉर्मल मॉलिक्यूल बनता है. ये इनिशिएशन का ऑपोजिट है. और आप एक और बात भी ध्यान में रखें कि टर्मिनेशन इन तीनों स्टेप्स में इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा या ऐसा रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है वो कौन सा होगा? टर्मिनेशन क्योंकि दोनों फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव है. नेक्स्ट देखें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन टू. बड़ा रिएक्शन टू में देखो याद निशानी क्या है? हेलोजेनो एल्केन से एल्कीन बन रहा है. एलिमिनेशन और रिएजेंट अगर पूछेगा तो यस. और अगर रिएजेंट पूछेगा नहीं भाई रिएजेंट अगर पूछेगा जो आप कह रहे हो ना H2SO4 बड़ा जो आप कह रहे हो H2SO4 वो अल्कोहल में यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए. हेलोजेनो एल्केन से अगर आपने एल्कीन बनाना है तो आपको लेना पड़ता है अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड. लेकिन फिलहाल वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो सिर्फ एलिमिनेशन लिख देना काफी है. रिएजेंट पूछेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, कंडीशन पूछेगा तो अल्कोहलिक. अच्छा जी अब आईआर से क्वेश्चन आ गया. द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन टू इज साइक्लोहेक्सीन. साइक्लोहेक्सीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिपिक एसिड बाय दिस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया. अगर आप लोगों ने मिस्टर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा हुआ है तो मैं ये रिएक्शन लाजमी करवाता हूँ जब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करते हैं. बताएं जरा ये हमने किया होता है या नहीं? यस सर. क्या हुआ ना इसमें एल्कीन की ऑक्सीडेशन होगी तो बेटा देखो यहाँ से टूटेगा ये टूटेगा इधर से तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन और ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों कार्बन. जी बेटा ये दोनों कार्बन किस ग्रुप में जाएंगे? कार्बोक्सिलिक. यस क्योंकि इसमें तीन केस आपको पढ़ाए थे. डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक हाइड्रोजन होगा कार्बोक्सिलिक कोई हाइड्रोजन नहीं होगा कीटोन. तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ये कार्बोक्सिलिक में जाएगा तो ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. अच्छा बीच में कितने सी एच टू आ रहे हैं? 1 2 3 4 चार सी एच टू आ रहे हैं दरमियान में वैसे लगा दो और फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है. इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड या हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड. ये बेटा हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड और इसका स्पेशल नेम है एडिपिक एसिड. यही वो एसिड है जिससे आप नाइलॉन बनाते हैं. ठीक है तो आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इनटू एडिपिक एसिड. तो एसिडिफाइड किया हमने फॉर हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 हॉट कंसेंट्रेटेड. ये कंडीशन लाजमी लिखिएगा भाई. मुझे शक है कि आप लोग इसमें ना 2 मार्क्स नहीं ले सकेंगे. क्यों?
आप लोग सिर्फ लिख कर आएंगे एसिडिफाइड के MnO4। भाई उसने रिएजेंट पूछा है, रिएजेंट आपने बता दिया एसिडिफाइड के MnO4, कंडीशन भी तो बताए ना, बल्कि रिएजेंट है के MnO4, कंडीशन क्या है कि के MnO4 आपका एसिडिफाइड होना चाहिए, और क्या कंडीशन है कि हॉट होना चाहिए, और क्या कंडीशन है कंसेंट्रेटेड भी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये इसका इंफ्रारेड का, और फिर पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है एक मिनट मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे। सर आज ना मैंने क्लास बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन किया, आप इसका आपके लिए, लिंक आपके लिए भेज रिकॉर्डिंग है ना बेटा, रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा। क्यों वैसे 10 मिनट पहले क्यों बेटा स्टार्ट किया है? सर। मैं सो रही थी, मैं फिर जब उठी हूँ तो मैंने देखा आपने पहले से शुरू की हुई थी क्लास। ठीक है बेटा, आइंदा आपने मतलब 4:15 पर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना, अब ये एक भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आप ये रेगुलर क्लासेस लेंगे ना टिल सी आईज एग्जाम, तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि आपका ग्रेड एक स्टेप ऊपर जाएगा। अगर अभी आप बी पर हैं तो ए पर आ जाएंगे, ठीक है, तो जी क्लासेस सर, मिस तो नहीं करनी अब। अच्छा अब देखें इसका जी लास्ट, जी बेटा सॉल्व इसकी PDF सेंड कर देना ग्रुप में। ठीक है बेटा। पीडीएफ को बेटा आप लोग क्यों इतना मतलब मैंने आपसे भी कहा कि मार्क स्कीम फॉलो करें, ठीक है, मार्क स्कीम बेस्ट होती है, मैं ये सेंड कर मैंने दूंगा। भी लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए कह रही हूँ आज ये वाली कर दें, बाद में ठीक जब भी है कर मैं कर लेंगे। दूंगा भाई, कर दूंगा मैं कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। और रात वाली क्लास बेटा टाइम से लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेट थ्री मेन डिफरेंसेज बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड एडिपिक एसिड। अच्छा इसमें ना आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी ये जो इंफ्रारेड है ना, ये तो समझ लें कि इसमें सिर्फ डाटा आपने रीड करना है ना भाई, और तो कोई काम नहीं है। ये एक साइक्लोहेक्सीन है और इधर बेटा ये आपके पास एडीपी एसिड है। पता है क्या चीज, पहले आप देखें देखें कि किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या बॉन्डिंग देख चेक करें कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। साइक्लोहेक्सीन में देखें कौन सी ऐसी बॉन्डिंग है जो एडीपिक एसिड में नहीं है, ये बताएं। कार्बन 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 डबल कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड यस, एक तो आपने पकड़ लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोहेक्सीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक आएगी वो क्या एडिपिक एसिड में आएगी? नो नहीं 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 सर, आएगी। तो ये एक नो नो आपने डिफरेंस बता दिया, ये भी हम डेटा बुकलेट से भी देखेंगे। दूसरा, एडिपिक एसिड में ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो साइक्लोहेक्सीन में नहीं है? कार्बोक्सिल होगा कार्बोक्सिलिक नहीं, एसिड सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन। बताएंगे पहले, कार्बोनाइल बताएं, सी डबल बॉन्ड ओ साइक्लोहेक्सीन में नहीं है, फिर और फिर आप कहेंगे के शेयर ओ एच, ओएच के बस। ओ एच बताएं, ओ एच है ना। अच्छा एक और भी है भाई, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड कार्बोनाइल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है ये। अच्छा एक और भी बताता हूँ साइक्लोहेक्सीन में, अभी मैं डाटा बुकलेट ओपन करूंगा फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये जरा देखो, एडिपिक एसिड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्या वो कार्बन डबल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है, ये बताएं। एडिपिक एसिड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है सिंगल बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड लेकिन लेकिन सिंगल साइक्लोहेक्सीन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है? डबल डबल है। बॉन्डेड अब जरा बेटा देखिएगा डबल। डाटा बुकलेट में, मैं आपको ये सारे डिफरेंस बताता हूँ। बेटा A2 के कितने बच्चे बैठे हैं जिनने आज पेपर दिया है इस क्लास में? है कोई बच्चा जो मतलब यस कंपोजिट वाला हो? सर, मैंने अच्छा हो गया था बेटा या नहीं? सर अच्छा हो गया, शुरू के अच्छा हुआ है क्वेश्चंस ओवरऑल। काफी इजी थे आपके क्वेश्चंस। सर NMR नहीं हुआ था। नहीं, NMR में मुझे बच्चे ने बताया कि 4 मार्क्स में से सिर्फ 1 मार्क का नहीं हुआ, जो जो स्ट्रक्चर बताना था, बाकी टेबल तो आसान था। एनएमआर आसान था, मुझे तो आसान लगा। अगर NMR नहीं भी हुआ ना, 4 मार्क्स कटेंगे ना, तो 100 में से 65 पर ए है, ठीक है, फिर भी 25 मार्क्स और भी कटवा सकते हैं। होमोलिटिक वाला अजीब सा था सर। चलें अब इसको छोड़ें, यहाँ पे आ जाएं दोबारा। ये बताएं जी, मैंने आपसे एक कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी पीक कहाँ पर आएगी? 1500 to 1680। तो ये बेटा लिखेंगे उसमें कि इन साइक्लोहेक्सीन। अच्छा इसको लिखने का तरीका जरा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसमें यूनिट नहीं लिखते ना। इन साइक्लोहेक्सीन देयर वुड बी एब्जॉर्प्शन एट
1500 टू 1680, यहां तक लिखना काफी नहीं है, पर सेंटीमीटर यूनिट लिखेंगे। क्यों आ रही है ये भी लिखेंगे, ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस पीक इज एब्सेंट इन एडिपिक एसिड। अब हुई पूरी बात, एक बात बता दी, दूसरा बात है आप इस पर जी। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ऐसे हाइड्रोजन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है उनकी पीक कहाँ आ रही है बोलो जरा। 3000 से 3100 ये, लेकिन सिर्फ साइक्लोहेक्स ये मतलब इतना क्लियर नहीं है ना, बच्चे अक्सर इस पीक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप आसान वाली बता दें, कार्बोनाइल वाली बता दें, कार्बोनाइल उसमें आ रहा है ना बेटा एडीपी एसिड में। तो अभी ये असल में पुराना हुआ है ना डाटा बुकलेट, अभी जो नई डाटा बुकलेट है उसमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा हुआ बेटा, नई डाटा बुकलेट में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो आप बताएंगे कि कार्बोनाइल की एक पीक आ रही है 1650 के दरमियान, किसके दरमियान 16, आप ये एक, दोनों एक्स 1740 1750। तो एडिपिक एसिड आगे पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर वुड बी एन एब्जॉर्प्शन एट 1640 to 7 सर आपकी वॉइस स्टक हो रही है। जी बेटा जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा इसमें अभी हम बेटा लास्ट वाले पर थे, मैंने आपसे कहा कि आप ओएच की पीक का बताएं, एडिपिक एसिड में अल्कोहलिक ओएच की पीक आएगी या कार्बोक्सिलिक वाले ओएच की आएगी, ये बताओ। कार्बोक्सिलिक वाली सर। बेटा बस आपने ये रेंज बतानी है 2500 से 3000। तो आपने बताया था कि अब नई वाली डेटा बुकलेट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग, आपने बताया था शायद किसी और ने के स्ट्रॉन्ग, मैंने बताया बेटा खत्म हो गया, नहीं है नहीं है अब तो, नहीं आता उसमें, मैं तो उसी से करती थी बेटा, जो एग्जाम में दिया होगा ना, जो एग्जाम में दिया होगा बस उसी डेटा को आपने फॉलो करना है ना, वहाँ अगर लिखा होगा तो कर लीजिएगा, वैसे अब वो नहीं लिखता। अच्छा ठीक है बेटा, वो इसमें कंप्लेन करता है एग्जामिनर रिपोर्ट में कि बच्चे यूनिट नहीं लिखते, तो ये आपने लिखना है। ठीक है तो बेटा आज के लिए इतना काफी, अभी रात को इंशाल्लाह हमारी फिर दोबारा क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मैं अभी पेपर सेंड करता हूँ। जी बेटा बोले सर, आपने कल 2013 का पेपर भेजा था, आप कल वो सॉल्व करवा सकते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे, कल वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी स्टूडेंट्स।